हेलो जी, राम राम जी सारे ने। और देखो हमारे मम्मी आ रही है छो में आ गया रे। तो भाई इसी के लिए एक बार मैं सही लाग जा और हम मरवावांगे जी दवाई अपने दोनों प्लाटा में, सामने वाले में भी और उसमें भी, क्योंकि है ना जी ये बारिश के मौसम में है ना घास में थोड़ा सा मतलब कुछ भी कीड़ा काटा निकलते हुए ना डर लाग गए हैं। पर ये भी हम डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों दवाई मारेगा ना जो मान लो उसमें कोई नाग मूग बैठी होगी तो वह निकल कर भागेगी क्योंकि जा रही हो बदबू आवे है। ये मम्मी बात मकड़े मेरा पापा भी धंधा लिया करना ये लकड़ेंगे इसमें क्योंकि सामने वाले में गया है तो अंदर जाओ वो मारेगा और ये लकड़ेंगे जाओ अंदर ले वो तो ले खड़े मारे तो यूं डर चढ़ रहा जी सच्चे में क्योंकि मारे तनु गेट हो गया हमने सामने अगर वह निकलेंगे तो सीधी उरे नहीं भर देंगे तो पापा तो डंडा दे रहा है क्या मैं पा खड़े हो जाओ हमारी मम्मी भी कुर्सी लेकर बैठेंगे वो मारन लग रहा था कम या देखो डरती है ना वायक जो जहर जूर वाली दवाई हो ना वे नागा की जो चा पत्ती वाली अपनी फारे का गेर हूं कि तो बड़ा नांगी क्योंकि आड़े तो है ना वा जो नाली सी दिखे ना छोटी सी उसमें तास का है और मैं जाऊं बाहर के बरा कोई आ इसमें भी गिर दे क्योंकि इसकी भी नाली बाहर है हमारी कसु तो डर लग रहा है जी बेटा तो मन नहीं कर सकते इसमें तो मार दी सामने वाले में जान लग रहा है मेरा न्यू ध्यान है जी इंगे ने अगर दवाई मार दी बदबू तो देखिए किंगे कोई ना कोई लकड़ी पाओगी ये बस उड़ा तो है ये पक्का हर जित वो मारन लग रहा है उड़े पर न्यू ना गिरा वा लकड़े की किंगे ने कैसे यो घास सूख जाएगा के हाँ यो घास सूख जाएगा इससे अल्लाह वो दौरा का होगी ना वो अभी बात वो नीचे तो बस वाला लकड़ी है ना वो मोटा लकड़ है ना डे एक दिन अनार पर इतना जाको मैं बढ़ ली वो बेटा क्या ना कितनी पर हो सकता है किंग है ना किंग है ना एक जगह ना कि ना बच्चे फिर डर तो लग गए हमारे पापा तुम्हें छो माउस है हालात हूँ तो लग गए हमने तो तुम्हें ये पापा तो मार भी दे जा लकड़ा होता है दो मिनट लावे डटा ना करे पाप पर है ना भीतर का डर हो है यो कौन भीतर का डर हो है यो मैं कल मुका पानी खत्म नल से ऊमंदी कर रहा होगा उसने आज तो जी बदबू उठ रही है हमारे है मी इस जब बच जाना तो एक फुहारा ही नाली में भी मरवा लिए कोई कीड़ा कट्टा भाग जाए बच जा तक हूँ आउड़ मरवा ले मेरे
मारे आगे तो ना आवे कोई, हम तो दिन में रहते तो कौन है। हाँ बस ये एक तो होंगी न, तुम निकलती कह दिए ना कती सही। हाँ वो दूर जाएगा इनका जहर। हेलो जी, ये भगवान मारे कर नहीं जी ना, किसी लकड़े हैं यार, एक चीज तो डर लगा है भैया, डोरी लटकती लटकती मेरी कड़ में लगी, मकलाड़ अभी आ गई, बॉर्डर लगा जी डंग डंग पे। मैं तो जो सोचू हूँ, हमारे तो तीन साइड मतलब प्लॉट की करी है, जिनका खेत खेता में घर है बिल्कुल चारों एक तरफ ये चीज है जी, शेयर करियो किस किस का घर है पूरे खेता में, वे किस तरह डरे हैं और तरह किस तरह अपना डर कंट्रोल करे हमने बताइयो। मैं तो जीते कई कई बार दवाई छिड़कू हूँ, एक बात है सुबह छिड़क जाए इसके पापा जब से फिर मैं दो पैर में जाऊ, जब सारे तो फिर छिड़कना जाऊ, और आज बारे में नुबली आज हमारा आवेंगे दवाई में ना छिड़की है मका, क्यों नुबली ना हम तो सारी नाक गा सारे पेट लेंगे। माँ ठीक सर वे तू पेट लेगी पर मन डर लग रहा है जी, जो मन ना मन ना मन आग दो बार देख ली काली दो बार वहां पीड़ी एक बार बता क्या कर आदमी जी ना दिखा जी वो तो डरेगा, और न्यू सोचे हैं हम भी देखा नाग ने हम भी देखा हम कच्चा सा है मन तो लग गया जी डर, कोई दिन कैसा डर रहा जन का डंग डंग पा इस कोई पत्ता हलता दिख जाए ना गए जी। ठीक है तो जिस तरह जी हो गया आप सब इस हमारे नाटक आने लग गए, हमारे नाटक आप सब में दिखने लग गए, तो ये करड़ा जोटा मारिया करो जी, शेयर करया करो, और रोज मारे सूटा की लाई वाण ला भरी डेली, एक बाण का तो फोन भी आया मेरे दोरे नुबली आए जी जी हम तो कती लुट गए मका, क्यों नुबली 900 में दो दो सूट तुम घर न पहुंचाओ हो, और बोला उस टाइम पे ना मारा नेट ना चला था रीब बेला थारे सारे सूट जा लिए होंगे, मका बे लाइव के तो जा ले हैं कोई एक आधा बेसक नहीं तो सारे टोटली जा ले हैं मका, तो जीजी तुम न्यू बताइयो मैं दूध न देखते हूँ आके थारे रक्षाबंधन की किसी तैयारी चल रही है ना, मेरी सासू ने पोंछी ले दी आज, सासू ने भी ले दी और मैं कही थी ना जब भैया भी लेकर मैं भी ले आई थी घनी सारी ले आई थी मैं, वहां का बंद नाली में बालक बंद अगर वह घड़ी भी पोची भी सब के ले आई थी, और मम्मी ने मेरे ख्याल से देखी ना जी, तो आज एक पत्ता मम्मी ने ले गया कोई ना, इसकी बुआ बाबा आऊंगी ना सारी एक काम आ जाएंगी, और जी बताइयो कौन कौन सी घर न जावेगी, कौन कौन सी के भाई भाभी आ रहे आवेंगे उनके साथ रंग फेटन ती पोची बंदवाण ती, तो जी हमने भी कई सूट से मुआ रखे बोलो, हमने जी कई सूट से मुआ रखे लेकिन आज यह दवाई छिड़की गई है ना तो हम थोड़े लेट हो गए, हम तुमने दिखाने ना पाए, अगर हो सके ना तो कल हम सारे सूट आपने दिखाऊंगे, कौन कौन से सूट सिलवाए हैं कौन कौन से उनमें डिजाइन डलवाए हैं, तो मैं उद्घाटन कल करूंगी जी 15 अगस्त है जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन नया सूट डालूंगी, कौन सा पहने जी कोई भी एक नया सूट डालूंगी, मैंने सोचू थी जी रक्षाबंधन ने पहन लिया गणे है जब गणे किस है पार्टी वियर तो दो है वे, अच्छा देखियो कौन से है ब्लैक और वो पीच, हाँ की मैं तो अपना तो वो है पहन ब्लैक पहन लिए थे, हाँ ठीक पीच मेरा फैब्रिक है पीच मैं पहनूंगी, ठीक है देखो जी मैंने एक कबर में कह दी ना ठीक है, क्योंकि इसने ब्लैक फैब्रिक करके लिया था आपने भी दे रहा है और ये नहीं हो रही है खाए पीछ आए पीछ आए पीछ, तो दोनों की सदगी मेरी भी सदगी इसकी भी सदगी, मतलब ब्लैक सुथरा लग रहा है और फिर एक ग्रे भी सिलवाया है फिर एक ब्लैक भी और भी सिलवाया है और इब एक क्रीम कलर और भी दे दिया इसी स्टाइल का, तो जो जो आपका जाएगा ना नजर बट्टू वाला जो जो आपका जाएगा ना वो अपने हम दिखाते जाएंगे, ठीक है जी कमेंट होगी मैं लाग रही हूँ इसने दोपहर में रोटी पोई थी आज सुबह भी पोख जाया था दोपहर में भी तो रोटी बच रही थी, मैं उनके परांठे बनाने लाग रही हूँ पहले परांठे खिला दूंगी सब ने, ठीक फिर जो पीछे रह जाएगा उसके लिए रोटी बना दूंगी जी, मैं तो परांठे खाऊंगी, देखो जी बर्तन मांग दिए हैं दूध कर दिया है दूध ने संभालने लाग रही हूँ,
और बस गैल गैल अपने वो चला रही थी मंत्र सुनाया करू मैं एक दो आध्यात्मिक रहा करू मैं गल्ला गल्ला बोले के मंत्र चला रही और मेरे मन में न्यू आ रहा मैं कहीं जंगले के पीछे था होगा बोले के बोलिया ओम नमो नमो कर तेरा समझ में ना आया मैं कृष्ण भगवान के राधा जी के सुनाया करू मेरी आस्था है जी कृष्ण जी में तो उनका मंत्र था वो तुम भी बोलिया करो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः बोला करो जय का दापल पड़ गया हो तो होना चाहिए जी हम सनातनी हैं सनातन धर्म जो है ना सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म में मतलब अगर कोई इसमें घुस का देखा बढ़कर देखे ना तो इतनी ज्ञान की बातें हैं कि आदमी दुखी ना पाओ जिंदगी भर हमारे घर के तो इसे हैं जी जिसे लागी करनी चटनी टमाटर पुदीने की चटनी और जो कि मैंने जबरदस्ती बनवाई है आलू का खीरा प्याज सलाद काट लो मगा भाई देख चटनी बना दुनिया सलाद सलाद में भी जीवा है ठीक मैं बताऊं जी आपने हकीकत खीरा है ना सुबह और दोपहर में खाने की चीज है शाम के बाद खीरा जहर हो जाता है खीरा नहीं खाना चाहिए मेरे घर के मन नहीं ना मैं इतना समझाने की कोशिश करूँ ये समझते ही नहीं ना जी आज जब रूल बना ले जब इसने खाना हो ना जब सही टेम ऐसा कुछ नहीं है मैं कभी नहीं खाती जी दोपहर के बाद में खीरा ठीक नहीं खाती ठीक है चलो जी अगर ब्लॉग हो गया होगा तो आप तक पहुंचा देंगे ना होया होगा तो एक राउंड और लगा लेंगे आप तक बोलने का बतलाने का हंसन का ठीक है जी।